बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तहिब्बू व तरज़ाहू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह ठीक होंगे। अंदाज़ा अपना अपना आप कुकिंग चैनल में आपका खुशामदेद। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, नमकीन गोश्त। ये बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं मटर मुझे चाहिए 1 किलो, पानी मुझे चाहिए 2 से 3 गिलास, दही जाएगा इसमें 5 से 6 टेबल स्पून, काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जाएगा गरम मसाला, 1 पिंच आएगी हल्दी, धनिया जाएगा एंड पर, प्याज मैंने लिया 2 अदद छोटे साइज के, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, अदरक 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका और 1 टेबल स्पून है कुछ धनिया जीरा पिसा हुआ, और घी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा ऑन करती हूँ। सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसमें हम लहसुन, प्याज, कुछ धनिया जीरा पिसा हुआ, नमक बस और अदरक जाएगा, और कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे। जो चीज़ें बाकी डालनी है वो हम पहले मटन को अच्छे से गला लेंगे, फिर इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करेंगे। मटन ऐड करती हूँ। नमकीन गोश्त रेस्टोरेंट स्टाइल का इंशाल्लाह रेडी होएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ब्लड वाला पानी ना अंदर जाए। पानी ऐड करूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ 2 गिलास बहुत है, मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, लहसुन पकने के लिए रख दूंगी इसे। हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला हम एंड पर डालेंगे जब ये रेडी हो जाएगा, इसका कलर खराब नहीं होएगा हंडिया का। इतना पानी बहुत है, अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। पहले मैं तेज आंच करूंगी, जब ये बॉयल पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा पानी अच्छे से, फिर मैं इसको लाइट आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। फिर मटन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, मटन हमारा अच्छे से गल गया, सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा पानी है, इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ और मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, फिर इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, क्योंकि हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं ना, तो उसमें कम चीज़ें ऐड होती हैं। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। पहले मैं हल्दी को अच्छे से भून लूँ, मिक्स कर लूँ अच्छे से। हल्दी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है, अब मैं इसके अंदर दही ऐड करती हूँ, 5 से 6 टेबल स्पून है। इसमें टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इससे इसका कलर हंडिया का ख़राब हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका पानी हमें ड्राई करना है, इसमें हमने पानी ज़रा भी नहीं डालना, ये ड्राई सालन बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। पानी ड्राई हो गया मसाले का, अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। घी हमने बहुत कम डालना है बस, बहुत इतना। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। काली मिर्च मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करूँगी। बुनाई मैंने इसके अच्छे से करनी है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। स्मेल तो माशाल्लाह अभी भी नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह बुनाई के बाद और नहीं आएगी। कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ब्रूशी सही नहीं पढ़ते। मेरे पास बुक्स हैं, मैंने याद किए हुए हैं ब्रूशी, माशाल्लाह जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही लिखे हुए हैं, कोई से मैं कमी पेशी नहीं करती। ये मेरा और अल्लाह का मामला है कि मैं सही पढ़ती हूँ कि गलत पढ़ती हूँ। प्लीज़ ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स ना किया करेंगे, आपका बहुत थैंक्स होगा। घी की बुनाई देखिए अच्छे से हो गई है, घी छूट गया। अब मैं इसके अंदर काली मिर्चें और गरम मसाला ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च और गरम मसाला और कोई चीज़ नहीं ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये बहुत मज़े का बना है, मैंने ट्राई किया है, नमक भी इसमें पूरा है। ये देखें, ये एक ही टाइम में ख़त्म हो जाना है, ये बचना नहीं है इंशाल्लाह। और ना साल ये गर्म भी नहीं होता दूसरे टाइम के लिए ओवन के बगैर।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेती हूँ, अच्छे से मिक्स करती। इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमने नमकीन गोश्त बनाया है काली मिर्चों वाला, तो इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं करूँगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं हल्की आँच पर दम दूँगी कि घी इसका हल्का सा छूट जाए, शाइन आ जाए, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितना मज़े का बना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलो ऑफ करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खाना जब भी बनाए बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूशी पढ़े, जो आपको याद है, छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सवाब देता है। हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमें भी पता है कि हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो हमें अल्लाह ताला गुनाह देगा। देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, देखिए नमकीन गोश्त हमारा रेडी है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, जितना कहूँ उतना कम है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ये ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके दस्तर हमें बरकत डाले, अच्छे अच्छे खाने नसीबों में करे, अल्लाह ताला आपकी सबकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।